हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन आज की अपनी इस क्लास में हम दो स्पेशल गेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे जिन्हें हम पॉपुलरली एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट के नाम से जानते हैं इन्हें हम एक्सक्लूसिव और फंक्शन या इक्वलेंस फंक्शन के नाम से डिफाइन करेंगे और इनके कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हुए कुछ मिसकसेप्शन जो स्टूडेंट्स में इन गेट्स को पढ़ते हुए डेवलप हो जाते हैं उनको हम क्लियर करेंगे और इस इन दोनों गेट्स के इंटर रिलेशनशिप पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम्स बहुत बनती हैं ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में बहुत स्कोप है एज वेल एज़ आपको जब आप हार्डवेयर डिज़ाइन करने लगेंगे और अब जब हम अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन के पार्ट पे मूव कर रहे हैं तो सर्किट डिज़ाइन में एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं तो इसलिए हम इन्हें स्पेशल अटेंशन दे आज स्टडी करते हैं कंपेयर करते हैं और कुछ कंक्लूजन को हाईलाइट करते हैं ताकि हम सही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें ओके तो एक्सक्लूसिव और फंक्शन को हम एक्स और फंक्शन बोलते हैं एज वेल एज टेक्निकली जिसे हम इक्वलेंस फंक्शन बोलते हैं उसे हम पॉपुलरली एक्स नॉर फंक्शन भी कहते हैं ठीक है तो अगर दो वेरिएबल एक्स और वाई है उनके बीच में आप एक्स और फंक्शन को एफ से अगर डिफाइन कर रहे हैं एफ वन इज एक्स और एक्स और का सिंबल ये रहता है आपका प्लस के अराउंड एक सर्किल ओके तो ये आपका एक्स और का सिंबल है तो एक्स एक्स और विथ वाई ओके वेर इज अगर आप एक्स नॉर का सिंबल डिस्कस करें तो एक्स नॉर का सिंबल होता है डॉट के अराउंड एक सर्किल अगर आप एक्स नॉर फंक्शन को अभी आ, रिसेंटली कंपैरिजन के लिए अपने आज के कंपैरिजन में जहाँ पे कि हम बार बार कुछ एक्सप्रेशंस लिखेंगे हम एफ वन और एफ टू से डिफाइन कर रहे हैं अगर एक्सनॉर को मैं एफ टू फंक्शन से डिफाइन करूँ तो इसका नोटेशन रहेगा एफ टू इक्वल्स टू एक्स विथ एक्स नॉर विथ वाई एक्स और वाई में अगर आप एक्सनॉर फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये सिम्बल आप रिप्रेजेंट करेंगे ओके okay? और उसका मिंटर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन एक्स और वाई वेरिएबल की फॉर्म में डिटेल एक्सप्रेशन ऐसा रहेगा एफ वन विल बी इक्वल्स टू एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार वेर एज एफ टू एक्स नॉर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार ठीक इसे हम जनरली एक ऑड फंक्शन की तरह डिफाइन करते हैं और इसे हम जनरली एक इवन फंक्शन की तरह डिफाइन करते हैं और रिपीटेड डिस्कशन uh, के बाद हम ऐसे मान लेते हैं कि ये जब भी एक्स और वाई इक्वल नहीं होंगे तब ये फंक्शन हाई होगा वेर एज जब एक्स और वाई इक्वल होंगे तो आपका एफ टू एक्स नॉर जो है वो हाई होगा इफ बोथ एक्स एंड वाई आर ज़ीरो तब भी f2 टू हाई होगा इफ बोथ x एंड y आर वन तब भी f2 को आप हाई अचीव करेंगे तो इसीलिए जनरली x और फंक्शन को इक्वलेंस फंक्शन से भी हमने डिफाइन कर दिया है दो वेरिएबल्स x और y में ये फंक्शन हाई आउटपुट देता है जब दोनों वेरिएबल्स इक्वल होते हैं ओके इसकी सिंपल uh, डिस्कशन में f1 वन इज ऑड फंक्शन ये जो आपका एक्स और फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है और इसमें ऑड फंक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे एफ वन की वैल्यू वन होगी एफ वन इक्वल्स टू वन इफ इनपुट वेरिएबल्स हैव ऑड नंबर ऑफ है ओके अगर इनपुट वेरिएबल्स में टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड है ऑड नंबर ऑफ वंस अगर है इनपुट में तो आपका फंक्शन वन होगा इसी तरीके से एक्स नॉट एफ़ टू इज एन ईवन फट डज़ इट मीन एफ टू इक्वल्स टू वन एफ इनपुट वेरिएबल्स है ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्टूडेंट्स अक्सर मिस कर जाते हैं और वो एक फास्ट कैल्कुलेशन निकाल लेते हैं कि जब odd number of ones, uh, तो और नंबर ऑफ वंस होंगे तो एक्स और हाई होगा और जबकि इवन नंबर ऑफ़ वंस होंगे तो एक्सन और जो है वो हाई होगा यहाँ पे थोड़ा सा आप और ध्यान में और और डिटेल में जब हम इनको डिस्कशन करेंगे तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कि ऑड नंबर ऑफ वंस पे एक्स और हाई ऑड नंबर ऑफ वंस पे एक्स नॉर हाई ये हर कंडीशन में नहीं आपका ट्रू रहेगा जबकि आप अगर इक्वलेंस को डिफाइन करना चाहें तो आप इस आ, रूल को आ, हर जगह फॉलोअप होता हुआ पाएंगे कि इवन नंबर ऑफ जीरोज पे आपका इक्वलेंस जो है वो आपको वन आउटपुट शो करेगा ठीक है इस तरह से रहता है एक और गेट के आगे आप सेमी सर्कल से इसको ड्रॉ करते हैं और इस सिंबल को आप एक्स और गेट बोलते हैं इसी तरीके से आप अगर एक्स और गेट के आगे एक बबल जिस जो कि एक नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है उससे अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये आपका एक्स नॉर गेट है और ये आपका एक एक्स एक और ते, एक ते, एक गेट है ओके एक्स और गेट है ठीक अगर हम x और y को ट्रुथ टेबल बना के एक्स और y x नॉर y को स्टडी uh, करें तो इस तरह से आउटपुट आएगा एक्स वाई हो सकता है ज़ीरो जीरो जीरो वन वन ज़ीरो वन वन अगर दोनों ज़ीरो ज़ीरो हैं तो एक्स और वाई ठीक है ये आपका दोनों जीरो जीरो पे जीरो होगा अगर और नंबर ऑफ वंस हैं तो ये वन होगा ज़ीरो वन 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 जीरो वन 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 जीरो ठीक है और अगर एक्स नॉर को देखें आप इन फंक्शन आउटपुट को इन एक्सप्रेशन से भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे एक्स नॉर हाई होगा जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो ज़ीरो ज़ीरो पे ये वन होगा ज़ीरो वन पे ज़ीरो वन ज़ीरो पे ये ज़ीरो और वन वन पे भी ये वन होगा अगर आप इस ट्रुथ टेबल को देखते हैं तो इस ट्रुथ टेबल को देख के आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एक्स और गेट का कॉम्प्लीमेंट है एक्स नॉर गेट ठीक है जहां पे ये जीरो है वहां पे ये वन है जहां पे ये वन है वहां पे ये जीरो है दो वेरिएबल के साथ एक्स और वाई का एक्स और फंक्शन कॉम्प्लीमेंट है एक्स और वाई के बीच में एक्स नॉर फंक्शन का ठीक है यहाँ तक आपका अगर ये कॉन्सेप्ट जो है उसमें फिर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होते अब हम मूव करते हैं तीन वेरिएबल में जब हमें X, Y और Z के बीच में x और फंक्शन इंप्लीमेंट करना हो जनरली तीन वेरिएबल का एक्स और गेट जो बनाना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है कॉस्टली भी रहता है हम X, Y और Z को पहले एक एक्स ऑर में से पास करते हैं और फिर इसको तीसरे वेरिएबल वेरिएबल में से एक्स और फंक्शन इंप्लीमेंट करके इस तरीके से एक्स वाई और जेड के बीच में हम एक्स और फंक्शन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं वेरिएबल तो के एक्स और एक्स नॉर स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं और उन्हीं को जनरलाइज स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं जब तीन वेरिएबल या चार वेरिएबल का एक्स और या एक्स नॉर फंक्शन आपको इम्प्लीमेंट करना है तो तीन वेरिएबल का एक स्पेशल केस जिसमें NOR और एक्स और दोनों ही फंक्शन को हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या ट्रुथ टेबल बनती है और फिर उनमें क्या इंटर रिलेशनशिप है तो अगर हम x, y और z में x और फंक्शन f1 से रिप्रेजेंट करें और इन तीनों के बीच में x और अगर इम्प्लीमेंट करें तो पहला स्टेप क्या रहेगा x और y के बीच में एक्स और होगा उस आउटपुट का z के बीच z के साथ एक्स और फंक्शन होगा और फाइनल आउटपुट यहाँ लिखेंगे जीरो जीरो विल बी ज़ीरो 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 जीरो जीरो ज़ीरो विल बी ज़ीरो ज़ीरो वन विल बी वन एक्स और में जब भी ज़ीरो वन या वन जीरो है उनके बीच में हाई मिलना है जीरो जीरो और वन वन के केस में ज़ीरो मिलना है ओके जीरो वन 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 ज़ीरो वन ज़ीरो वन 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 जीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन और वन वन जीरो वन वन जीरो ज़ीरो ज़ीरो जीरो वन वन जीरो ज़ीरो वन वन तो आपको इस तरीके से आउटपुट मिल गया है ठीक है ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये आपकी मिन टर्म्स का भी रिप्रेजेंटेशन है ठीक है अब अगर इन्हीं तीनों वेरिएबल्स के बीच में अगर आप एक्स नॉर फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो पहले आप एक्स और वाई के बीच में एक्स नॉर फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे आउटपुट का X नॉर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा Z के साथ ओके जीरो जीरो वन वन जीरो इज जीरोकेीरो जीरो वन 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 इज वन जीरो वन जीरो 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 इज वन जीरो वन ज़ीरो जीरो वन जीरो वन ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो जीरो ज़ीरो वन जीरो वन 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 ज़ीरो जीरो वन 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 ओके ठीक है आप अपनी तरफ से इस स्टेप को खुद से परफॉर्म कीजिएगा ताकि आप बिना कंफ्यूजन के इस टूटेबल को लिख सकें पहले आपको इन दोनों के बीच में एक्स और फिर आउटकम के बीच में एक्स और ओके तो ये आउटपुट आएगा और अगर एक्सनोर कर रहे हैं तो पहले आप इन दो बिट्स के बीच में एक्सनॉर फिर आउटपुट के आउटपुट और तीसरे बिट के बीच में एक्सनोर क्योंकि जनरली हम जन इस तरह से गेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आप एज ए स्टूडेंट करेक्ट आंसर लिखने के लिए आप इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहां पे देखिए आपने जब तीन वेरिएबल्स के बीच में एक्स और फंक्शन इंप्लीमेंट किया या इक्वलेंस फंक्शन एक्स नॉर फंक्शन इंप्लीमेंट किया तो एफ वन इक्वल्स टू एफ टू ओके वेरिएबल्स आर थ्री एफ वन इज नॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ टू ठीक है तो ये जो आप रूल जनरलाइज इंप्लीमेंट कर देते हैं कि एक्स नोर जो है वो एक्स और का काम्प्लीमेंट फॉर्म है तो ये आपका कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं अप्लाई होगा जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑड हैं तो आपका एक्स और और एक्स नॉर सेम वैल्यूज़ पे वन होल्ड करेंगे और अगर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स इवन हैं तब आपका एक्स और और एक्स नॉट जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का रूल जो है वो फॉलो अप करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आई वुड लाइक टू डिस्कस इन दिस वीडियो दैट इट्स नॉट ट्रू एक्स नॉट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स और ये कंडीशन आपकी केवल ऑड नंबर ऑफ सॉरी इवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे इंप्लीमेंट होती है ऑड नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे एक्स और फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स नॉर फंक्शन ठीक है तो अगर हम इसको बाइनरी फंक्शन रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो एक्स का एक्स और वाई के साथ और जेड के साथ जो है वो इक्वल है अगर हम एक्स वाई और जेड में एक्स नॉर फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो एक्स वाई और जेड का कलेक्टिव एक्स नॉर का कॉम्प्लीमेंट तीनों के कलेक्टिव एक्स नॉर के बराबर नहीं हैं तो आप अगर तीन वेरिएबल्स के बीच में एक्स और इम्प्लीमेंट करके उसका कॉम्प्लीमेंट ले तो क्या आपका आउटपुट आएगा दैट इज डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स वाई एंड z कलेक्टिव एक्स और विल बी एक्स विथ एक्स और ऑफ वाई और इस आउटपुट के साथ एक्स नॉर ऑफ जेड आप इसको इस तरह से रिप्रजेंट करेंगे ये जो आपका फंक्शन है ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा ओके एक्स वाई एंड जेड ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो आपका एक्स वाई और जेड के एक्स नॉर फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी तरीके से एक्स वाई और जेड के बीच में कलेक्टिव एक्स नॉर का कॉम्प्लीमेंट होता है एक्स और वाई के बीच में पहले एक्स नॉर फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन और रिजल्ट के साथ जेड का एक्स और फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन ये जो भी मैंने रिलेशनशिप मेंशन किए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये एक ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनाने के लिए एग्जामिनर के लिए बहुत फेवरेट स्टेटमेंट्स हैं तो आप इन्हें डिटेल में समझिए समझने के बाद आप कभी भी इन ऑप्शंस को गलत सेलेक्ट नहीं करेंगे और आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा इस स्टेटमेंट के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए अगर चार वेरिएबल का आप फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं चार वेरिएबल्स के बीच में अगर आप एक्स और इंप्लीमेंट करके उसका कलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू कलेक्टिव एक्स नॉर बिटवीन दीज फोर वेरिएबल्स ओके तो अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स देखिए यहाँ पे दो दो वेरिएबल थे तो एक्स और का कॉम्प्लीमेंट एक्स नॉर था तीन वेरिएबल्स तो एक्स और का कॉम्प्लीमेंट एक्स नॉर नहीं था इज चार वेरिएबल्स हैं तो एक्स और का कॉम्प्लीमेंट एक्स नॉर है तो जो हम जनरलाइज स्टेटमेंट लें उस स्टेटमेंट में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन में हम क्या बोल सकते हैं इवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स ओके तो आपका एक्स और जो है वो एक्स नॉर के बीच में कॉम्प्लीमेंट का रिलेशनशिप जो है वो आप मेंटेन कर सकते हैं वेर एज अगर ऑर्ड नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं आपके पास इनपुट पे इनपुट पे अगर आपका है तो एक्स और और एक्स नॉर जो है वो सेम फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल एज हार्डवेयर डिज़ाइन कॉम्बिनेशन सर्किट डिज़ाइन जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक से इस चीज़ को आप यहाँ पे के मैप में एंट्री से भी समझ सकते हैं अगर हम तो X, के मैप में एंट्री देखें तो एक्स वाई और जेड के कलेक्टिव एक्स और फंक्शन की के मैप एंट्री इस तरह से होगी देखिए वन टू फोर एंड सेवन वन टू फोर और सेवन पे वन दिया दोनों ही बार एफ वन और एफ टू एक्स और एक्स और नॉर का सेम के मैप बना है सेम ट्रुथ टेबल है ये दोनों सेम फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी तरीके से अगर आप एक्स वाई ये जो हमारा रिलेशनशिप था कि एक्स वाई और जेड का क्लिक अगर आप X और फंक्शन करके कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये आपका फंक्शन है इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो ये के मैप में एंट्री आएगी इसी तरीके से X -Nor का तीन वेरिएबल्स के बीच में कलेक्टिव X NOR का कॉम्प्लीमेंट ले तो क्या रहता है X डॉट वाई एक्स एक्स नॉर वाई विथ एक्स और Z अगर इस फंक्शन को के मैप में एंट्री करेंगे तो सेम एंट्री हो रही है अगर कॉम्प्लीमेंट सेम एंट्री कर रहा है तो आपका ओरिजिनल फंक्शन भी सेम है ये इस रिलेशनशिप को भी प्रूव करता है कि का कॉम्प्लीमेंट ये है इसका कॉम्प्लीमेंट ये है और ये आपके सेम ही फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है आपसे पूछा भी जा सकता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फिर इनके बीच में इक्वल्स लगाया इनके बीच में नॉट इक्वल्स टू लगाया तो आप करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पता हो ये फंक्शन और ये फंक्शन भी सेम है ये फंक्शन और ये फंक्शन भी सेम है अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स तीन हैं तो ये भी आपका सेम फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट है केप मैप में एंट्री से आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं और इसी तरीके से क्या फोर वेरिएबल के एक्स और फंक्शन और एक्सन और फंक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं उनको भी आप फोर वेरिएबल के केप मैप में इनका ट्रुथ टेबल एंट्री करके बहुत आसानी से कंक्लूजन को वेरीफाई कर सकते हैं ये एक्स और की एंट्री है और ये एक्स नॉर की एंट्री है फोर वेरिएबल के ठीक है मैंने केम आपके रेफरेंस के लिए के मैप में एंट्री करके आपको बताना चाहा कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ठीक है यहाँ पे इस कंडीशन में जब फोर वेरिएबल्स हैं तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है जब थ्री वेरिएबल्स हैं तो ये दोनों सेम फंक्शन है ओके okay? और ये सब आपको जो भी कंसेप्चुअल डिस्कशन है इसे अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो ये आपके मॉरिस मैनो की डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें आप रेफर कर सकते हैं यहाँ पे के मैप में की गई एंट्री से एक और कंक्लूज़न निकलता है वो ये है कि अगर हमारे पास एन वेरिएबल का फंक्शन है तो उससे कितनी मिन टर्म्स बनती हैं उससे टू रेस्ट टू पावर एन मिनटर्म्स बनती हैं यहाँ देखिए कि जितनी पॉसिबल मिनटर्म्स हैं जब हम सभी फंक्शन के बीच में x और या x नॉर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो टोटल सेल में से आधी सेल्स पे एंट्री वन आती है फंक्शन आउटपुट हाफ सेल्स पे हाफ मिनटर्म्स पे आपका फंक्शन आउटपुट वन आता है यहाँ पे आठ में से चार पे फंक्शन आउटपुट हाई है एज वेल एज यहाँ पे आपका सिक्सटीन में से एट सेल में आपका फंक्शन आउटपुट हाई है तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में कंपटीशन में इस तरह से के मैं बना के दिया हुआ हो और हाफ ऑफ द सेल्स आर फिल्ड विथ वन देन देर इज़ द पॉसिबिलिटी कि आप उन सभी वेरिएबल्स के बीच में एक्स और या एक्स नॉर फंक्शन या एक्स और एक्स नॉर विथ एक्स और इस तरह की जो कॉम्बिनेशंस हैं वो फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप इस के मैप को देख के भी अपना करेक्ट जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करने में हेल्प पा सकते हैं टू रेज टू पावर एन बाई टू मिन टर्म्स पे मिन टर्म्स पे आपका फंक्शन F1 या F2 टू वन होगा ओके ये भी आपके X और और X नॉर फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जब हम सर्किट डिजाइन पे मूव कर रहे हैं और अगर हमारा ट्रुथ टेबल इस तरह से बनता है कि आधी सेल पे हमें फंक्शन आउटपुट वन मिल रहा है तो उस फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन एक्स और और एक्स नॉट या कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और एक्स नॉट गेट से होने की पॉसिबिलिटी है तो आपसे कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि कितनी मिन uh, टर्म्स में फंक्शन वैल्यू आपकी वन होगी अगर एन वे वेरे, एन वेरिएबल से आप एक्स नॉर या एक्स और गेट बना रहे हैं तो आज के डिस्कशन से डिफरेंट वेराइटी ऑफ पॉसिबल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एज वेल एज़ उसमें आप कन्फ्यूज़ होके किस तरह से गलत गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं उन सबको हमने डिस्कस किया है और इसी तरीके से हम अपने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे और हम कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन के अपने डिस्कशन को नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो से कंटिन्यू करेंगे की प्लानिंग कीप वाचिंग थैंक यू